ऑडियो जंगल। पूर्व जिला परिषद सदस्य की गोली मारकर हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने सरसी थाने के पास NH 107 को किया जाम और किया आगजनी। पूर्णिया के सरसी थाना के पास शुक्रवार की शाम पूर्व जिला परिषद सदस्य और वर्तमान जिला परिषद सदस्य के पति विश्वजीत कुमार सिंह उर्फ रिंटू सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सरसी थाने के पास NH 107 को जाम करते हुए उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी तक शव को नहीं उठाने पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने थाना परिसर में भी आगजनी किया और तोड़फोड़ किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। घटना के बाद पूर्णिया पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने परिजनों को समझा बुझाकर मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने कहा कि इस घटना में सरसी थाना के थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। फिलहाल परिजनों का बयान पुलिस रिकॉर्ड कर रही है, इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताते चले कि रिंटू सिंह पर पिछले दिनों भी गोली चलाई गई थी और पिछले ही वर्ष चुनाव के दिन उनके परिजन की भी हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी एवं परिजनों ने बताया कि इस घटना के पीछे बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह का हाथ है। वह एक एक कर अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या करवा रही है। घटना का CCTV फुटेज भी फिलहाल सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 5:30 बजे के आसपास पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रिंटू सिंह की हत्या हो गई थी। परिजनों से आकर बात करके उनको समझा बुझाकर पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी परिजन बयान दे रहे हैं, उनके बयान के आलोक में हम लोग छापेमारी करके आगे गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कुछ टेक्निकल इनपुट के आधार पर हम लोग अभी भी छापेमारी जारी रखे हुए हैं। सर, मामला जो हुआ है, सर बताया जाए सर क्या स्थिति है और क्या लोगों का डिमांड है? कल शाम 5:30 के आसपास रिंकू सिंह की गोली मार के जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष थे, गोली मार के हत्या कर दी गई। परिजनों के द्वारा काम किया गया था, बात अच्छी है उनकी। अभी मृतक के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल के द्वारा भेज दिया गया है। परिजनों का बयान दर्ज किया जा रहा है। परिजनों का आरोप था कि थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है, तो कल थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और अभी परिजन जो बयान देंगे उसके आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार छापेमारी चल रही है, कुछ नाम चिन्हित हुए हैं और बहुत जल्दी से गिरफ्तारी होंगे। सर, थाना से महज चंद दूरी पे ये हत्या हुई है। यही आरोप उनके परिजनों का था कि लापरवाही है थाने की, तो हम लोगों ने डीएसपी साहब से रिपोर्ट की और रिपोर्ट के आलोक में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले भी 3 तारीख को घटना हुई थी रिंटू सिंह के साथ, और हमने कहा कि लापरवाही परिलक्षित हुई है, इस कारण उन्हें निलंबित किया गया है और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभी परिजन जो बयान देंगे उस बयान के आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे और कुछ नाम हमारे पास आए हैं, इसके आलोक में हम लोग छापेमारी करवा रहे हैं। उनका सर डिमांड क्या है, परिजनों का डिमांड सर क्या है? परिजनों का डिमांड है कि परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, जो हम लोग सुरक्षा मुहैया कराएंगे। उनका आलोक क्या है सर? अभी तो वो बयान दे रहे हैं, अभी तो पार्टी शरीर को पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है, उसके बाद जो बयान देते हैं फिर हम आपको। दूसरा सर, एक परिजन का ये कहना है कि बेनी सिंह की हत्या हुई थी आज से साल भर पहले चुनाव के दिन और उसमें एक्शन नहीं हुआ है, वही अपराधी इसमें भी घटना घटित थे। पूर्व के कुछ केसेस हैं जिसमें कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी लंबित है, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम भी गठित किया है जो लगातार अभी इस केस को पर्स्यू करके, पुराने केस को भी इसके साथ पर्स्यू करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। घटना के पीछे कारण क्या आ रहा है? राजनीतिक साजिश का बयान हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बयान जिस आधार पर देंगे उस आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। परिजनों का आरोप है कि मंत्री इस संदर्भ में हमने कहा कि परिजनों का अभी बयान जो है हम लोग दे रहे हैं, जो बयान में देते हैं उसके बाद बयान हुआ है सर, अभी परिजन बयान दे रहे हैं, बयान के बाद FIR होगा। पीछे से आया, किसी से बात कर रहा था, तो यहाँ से लौटा था, किसी से बात कर रहा था, पीछे से एक आदमी आया और यहाँ पे गोली मार के वो भाग गया। वो उस लड़के का नाम अठिया है, हम लोग जो जानते हैं अठिया नाम है। वो लड़का आया यहाँ पे गोली मार के भाग गया, सब लोग थोड़ा सा घबरा गए और लोग सब भागने लगे। सब जब भाग गए चले गए, फिर से वो पीछे से आया और 2 गोली फिर से मारा। देखा सब है लेकिन कोई गवाही नहीं देगा। पहले भी गोली चली थी, पहले भी 3 तारीख को पे गोली चली है, 3 तारीख को कोई एक्शन जब यहाँ सरसी उनकी माँ और उनकी वाइफ आई तो पुलिस प्रशासन बोले क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रिंटू सिंह झूठ बोल रहा है। फिर भी चलिए, आप अभी इसमें हैं तो हम आपका लिख लेते हैं, केस ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप गार्ड के लिए ऐसा कर रहे हैं।
कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, केस नहीं लिया गया। चुनाव के दिन भी एक हत्या हुई थी आपके लिए, मेरे देवर की। अब पिछले साल बेनी से क्या लग रहा है, कितने शुक्र, बस एक ही आदमी का हाथ है, जो बेनी सिंह को मारा वही रिंटू सिंह को मारा, एक ही आदमी मारा है। सोचा कि बिट्टू सिंह भी जेल में है, उसका भाई भी मर गया, अब विधानसभा में क्या किया जाए, किसी ना किसी को तो पद चाहिए, हम लोगों को जीने के लिए एकमात्र उपाय राजनीतिक ही है, कोई पद, वो पद बिट्टू सिंह लेना चाह रहा था, बोल रहा था कि हमको विधानसभा में आना है, विधानसभा में आना है। इस चीज को लेके विरोधी को लगा कि नहीं, ये विधानसभा में जीत जाएगा, जब जिला परिषद में ये एक भी रुपया खर्चा नहीं किया, 7000 वोट से जीत गया, तो फिर ये तो विधानसभा में भी जीत जाएगा, डर गया विपक्षी। किसी पर मतलब शंका है मैडम पे, लेसी मैडम पे, उन्होंने ही हाथ है हर शुरू से लेके ये अंत तक की घटना में, ये अंत तो नहीं है, इसको अंत नहीं कहेंगे, लेकिन इस घटना में भी खंडन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो बोलेंगी, वो अभी भी बोलेंगी कि मेरा हाथ नहीं है। आप लोग का मांग, हम लोगों का मांग है न्याय उनके साथ हो, जिनका छोटा छोटा बच्चा है, इतना छोटा छोटा दो बच्चा है, वाइफ है, कैसे चाहिएगी, पूरा जिंदगी उनका पड़ा हुआ। आज मेरे देवर को जिस दिन मारा, उसका हत्यारा खुलेआम घूम रहा था, और वही हत्यारा आके रिंटू सिंह को मारा, एक ही आदमी मारा। मेरा परिचय सर्वप्रिया सिंह, मिट्टू सिंह की पत्नी है, ये रिंटू कौन, मेरा भाई है, मौसेरा भाई है। ऑडियो जंगल, ऑडियो जंगल।